पहला उदाहरण आपके सामने इस प्रकार है कि नेहा नाम की एक लड़की जो इस बात को लेकर असमंजस में है कि वह फ्रेंच भाषा या रसायन विज्ञान में से किस पाठ्यक्रम को चयन करे, और उसका यह मानना है कि उसकी ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता फ्रेंच पाठ्यक्रम में 1/2 है और रसायन विज्ञान में 2/3 है। यदि नेहा ने इस चुनाव को एक निष्पक्ष सिक्के को उछाल कर किया है तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उसने रसायन विज्ञान में ए ग्रेड को प्राप्त किया। तो इसमें हमें यह प्रायिकता निकालनी है कि अगर उसे ए ग्रेड प्राप्त होता है तो वह ए ग्रेड उसे रसायन विज्ञान में प्राप्त हुआ होगा। तो आइए इसके हल की ओर पढ़ें। तो जैसा कि हम पहले इस प्रश्न के कथन में जो घटनाओं की वर्णन है उन घटनाओं को कुछ मानेंगे, तो हम पहले मानते हैं आर उस घटना को दर्शाता है कि नेहा ने रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम को चुना या वो कर दी है। मानिए ए उस घटना को दर्शाता है कि उसने जिस भी पाठ्यक्रम को किया उसमें उसे ए ग्रेड की प्राप्ति हुई। तो यह दो घटनाएं हो गई और हमें यह पता करना है कि नेहा को रसायन विज्ञान में ए ग्रेड प्राप्त हुआ। अतः इन दो घटनाओं की संयुक्त प्रायिकता जो होगी वही हमारी इच्छित प्रायिकता है, जिसे कि हमने प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता आर और ए दो घटनाएं हैं जिनका कि वर्णन हमने अभी किया है। तो आप जानते हैं कि प्रतिसंबंध प्रायिकता के सूत्र जो हमने अभी पुनरावलोकन किया उसके हिसाब से इस संयुक्त प्रायिकता को हम एक प्रतिसंबंध प्रायिकता की तरह लिख सकते हैं जो कि आप देख रहे हैं कि प्रायिकता आर ए संयुक्त प्रायिकता घटनाओं आर ए की व्यक्त की जा सकती है घटना आर की प्रायिकता का गुणन घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना आर के बारे में हमें ज्ञात हो। तो चूंकि नेहा ने इस प्रश्न के कथनानुसार ए पाठ्यक्रम का चुनाव एक निष्पक्ष शिक्षक को उछाल कर किया है तो प्रायिकता उसके रसायन विज्ञान की चुनने की या प्रायिकता आर घटना आर की होती है 1/2 या 0.5। अब हम प्रश्न के कथन के अनुसार यह जानते हैं कि रसायन विज्ञान में नेहा के ए ग्रेड को प्राप्त करने की प्रतिसंबंध प्रायिकता क्या है। वो प्रायिकता है प्रायिकता ए प्रतिसंबंध आर है 2/3। यह प्रायिकता हमें कथन में दी हुई है। अतः हमारी इच्छित प्रायिकता की गणना हम अब आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमें उन सारी प्रायिकताओं का मान पहले ही निकाल लिया है। तो इन दोनों प्रायिकताओं का गुणन करने से हम इच्छित प्रायिकता का मान 1/3 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक आसान प्रश्न था, आपने इसे वैसे भी समझ लिया होगा।